भारत के उत्तर पूर्व के सेवन सिस्टर्स स्टेट में से सबसे बड़ा राज्य है अरुणाचल प्रदेश, आज हम जिसके बारे में बात करेंगे। इस राज्य का ज़्यादातर हिस्सा हिमालय से कवर्ड है। सन 1962 के पहले तक ये राज्य द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। 1972 में इसे भारत की यूनियन टेरिटरी बनाया गया और फिर 20 फरवरी 1987 को ये भारत का 24वां राज्य बन गया। इसकी राजधानी है ईटानगर। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। नंबर वन, भारत में सबसे पहले सूर्योदय इसी राज्य के डोंग वैली में होता है, इसलिए इस राज्य को लैंड ऑफ द राइजिंग सन या लैंड ऑफ डॉन के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइम में 2 घंटे का अंतर है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश देश के पूर्वी छोर पर स्थित है और गुजरात पश्चिमी छोर पर। नंबर टू, भारत का ये राज्य भाषाओं के मामले में सबसे ज़्यादा धनी है। यहाँ करीब 30 भाषाएँ बोली जाती हैं। इनमें से कुछ खास है वांचो, तागिन, डाफिया। यहाँ चीनी भाषा भी बोली जाती है, क्योंकि इस राज्य की सीमा चीन से सटी हुई है, बट यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। नंबर थ्री, अरुणाचल प्रदेश अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के लिए माना जाता है। ये राज्य अपनी सीमा चीन, म्यांमार और भूटान से शेयर करता है, इसी कारण यहाँ इतनी भाषाएं बोली जाती हैं और इतने मिक्स कल्चर के लोग रहते हैं। नंबर फोर, भारत का सबसे बड़ा नदी पर बना हुआ ब्रिज ढोला सादिया है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, और ये पुल अरुणाचल प्रदेश और असम को जोड़ता है। इसकी लंबाई 9.1 किलोमीटर है। नंबर फाइव, तवांग मॉनेस्ट्री अरुणाचल प्रदेश के तवांग टाउन में स्थित भारत की सबसे बड़ी और वर्ल्ड की सेकेंड सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री है। ये मठ समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ से तवांग वैली का खूबसूरत दृश्य देखा जा सकता है। 300 साल पहले बने इस मॉनेस्ट्री में 570 से ज़्यादा बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं। नंबर सिक्स, परशुराम कुंड अरुणाचल प्रदेश के लोहित डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि परशुराम ने क्षत्रियों के वध के पाप से मुक्त होने के लिए इस कुंड में स्नान किया था। हर वर्ष मकर संक्रांति के दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस कुंड में स्नान करने आते हैं। नंबर सेवन, अरुणाचल प्रदेश हैज़ द थिनेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन द कंट्री। यहाँ सिर्फ 17 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, जो भारत के अन्य सभी राज्यों से बहुत कम है। नंबर एट, ये राज्य 80% जंगलों से घिरा है। वन्य उत्पाद यहाँ की अर्थव्यवस्था का दूसरा बड़ा स्रोत है। फर्स्ट नंबर पर एग्रीकल्चर है। यहाँ पर मोस्टली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और एल्पाइन फॉरेस्ट है, इसलिए यहाँ की हवा एकदम शुद्ध है। नंबर नाइन, ज़िरो अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी ज़िले में स्थित एक नगर है, जो ज़िरो वैली में है। ये टाउन यहाँ का मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जो यहाँ के पाइन हिल्स और राइस फील्ड के कारण फेमस है। ज़िरो इज़ पॉपुलरली नोन एज अपाटानी प्लेट्यू, जो कि सी लेवल से 1500 मीटर्स की हाइट पर है। ये वैली किसी भी एंगल से एक फोटोग्राफर को परफेक्ट व्यू देती है। नंबर टेन, अरुणाचल प्रदेश की लगभग 65% आबादी डिफरेंट ट्राइब्स को बिलोंग करती है। कुछ इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स हैं आदि, निशी, मोनपा एंड अपातानी। तो फिर देर किस बात की,
आज ही अपने ILP यानी इनर लाइन परमिट के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यहाँ जाने के लिए आपको पहले यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट से ILP लेना पड़ेगा और यहाँ की मेस्मराइजिंग वादियों में खो जाइए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय।